हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सितंबर के मंथ में जो आईपीओ आने वाला है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर के मंथ में 6 जबरदस्त आईपीओ आने वाला है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभी से अपना फंड यानी पैसा रेडी रखना है, तभी आप उस टाइम पे इस आईपीओ में सही समय पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं कि सितंबर के मंथ में कौन कौन से आईपीओ आ सकते हैं, इसका कंप्लीट लिस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आईपीओ हैं जो कि सितंबर के मंथ में आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है हैप्पीएस्ट माइंड का, और ये आपका बैंगलोर बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो मोस्टली आईटी कंपनी बैंगलोर बेस्ड ही होते हैं और ये भी आपका बैंगलोर बेस्ड ही आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और इसका जो बिजनेस है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला इसका डिजिटल बिजनेस सर्विस, जिसको हम शॉर्ट में DBS के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको हम PES के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस, जिसको हम IMSS के नाम से भी जानते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो बिजनेस है वो मेनली इसी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। और ये आईपीओ आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में ही 7 सितंबर को आ सकता है। और इस आईपीओ का जो साइज होगा वो 700 करोड़ के करीब होगा। तो आईपीओ का साइज उतना ज्यादा नहीं है, तो ये आईपीओ भी आपका ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो इसके लिए भी आपको अपना फंड रेडी रखना है और ये आईपीओ भी आपका अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस दे सकता है। अपकमिंग आईपीओ के लिस्ट में नेक्स्ट कंपनी है एंजल ब्रोकिंग। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आईपीओ सितंबर के मंथ में ही आ सकता है। और जैसा कि आप सब लोगों में से बहुतों को पता होगा कि एंजल ब्रोकिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फुल सर्विस रिटेल ब्रोकिंग है और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फुल सर्विस ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट। और इसके पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस है और ये अपने क्लाइंट बेस को अच्छा खासा इंक्रीज भी कर रहा है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूजिंग सब ब्रोकर नेटवर्क। अगर हम एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ डेट की बात करें तो इसका आईपीओ आपका 9 सितंबर के करीब आ सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है और इसका आईपीओ साइज होगा 600 करोड़ के करीब। तो ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर फुल सर्विस रिटेल ब्रोकिंग कंपनी है और इसका भी आईपीओ काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और उसके बाद नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ के लिस्ट में है कैम्प्स। जी हाँ दोस्तों, कैम्प्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, ये भी आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और ये इंडिया का लार्जेस्ट RTA है यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है और ये मोस्टली म्यूचुअल फंड में RTA का काम करता है। और इसके अगर आप मार्केट शेयर को देखें तो इसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 70% के करीब है। तो देख सकते हैं कि इसका मार्केट शेयर काफी जबरदस्त है और अपने फील्ड में ये लीडर की तरह एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्विसल। तो कैम्प्स इंडिया का भी जब आईपीओ आएगा तो ये भी काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, काफी ज्यादा लोग इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे और ये आईपीओ आपका 10 सितंबर को आ सकता है। और इसका आईपीओ साइज होगा 1800 करोड़। जी हाँ, 1800 करोड़ इसका आईपीओ साइज होगा। तो इसका भी आईपीओ साइज उतना ज्यादा नहीं है, ये भी काफी ओवर सब्सक्राइब होगा और यहाँ पे भी अलॉटमेंट मिलना काफी मुश्किल होने वाला है। नेक्स्ट है आपका कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। जैसा कि नाम से ही पता है कि आपका केमिकल स्पेशलिस्ट कंपनी है और ये कंपनी भी आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू 350 करोड़ का कैपिटल रेज करने की सोच रही है, जिसमें 175 करोड़ फ्रेश इश्यू होगा और बाकी का ऑफर फॉर सेल होगा। और इसका भी आईपीओ 11 सितंबर को आ सकता है और इसका भी आईपीओ साइज होगा 350 करोड़। तो ये आईपीओ काफी छोटा होने वाला है और अभी केमिकल सेक्टर काफी ट्रेंडिंग में है, काफी डिमांडिंग है, तो ये आईपीओ भी आपका ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको अपना कैपिटल यानी फंड अभी से ही तैयार रखना है। और उसके बाद है आपका राउट मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंडिया का लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और ये आपको OTT प्लेयर्स को और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को अपना
सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये भी अपने फील्ड का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और इसका भी आईपीओ 14 सितंबर को मार्केट में आ सकता है और इसका भी आईपीओ साइज है 600 करोड़ के करीब। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना, क्योंकि जब 5G आएगा तो उस टाइम पे ये आपको और भी बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो अभी भी अच्छा मौका है, इन सब में आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं या नहीं तो लिस्टिंग गेंस में भी निकाल सकते हैं। ये सब आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देने वाला है। नेक्स्ट है आपका यूटीआई एएमसी, जिसको हम यूटीआई म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी है इन टर्म्स ऑफ टोटल एयूएम। अगर आप क्वार्टरली एयूएम की बात करें तो ये इंडिया का 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है और इसका प्राइस बैंड आपका 850 रुपीज से 900 रुपीज पर शेयर तक रह सकता है और इसका आईपीओ आपका सितंबर के मंथ में यानी 15 सितंबर को आ सकता है और इसका आईपीओ साइज होगा 3000 करोड़ के करीब। तो इसका आईपीओ साइज ठीक ठाक है, तो यहां से अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे इन कंपेरिजन टू अदर आईपीओ जो सितंबर के मंथ में आने वाला है। तो ये थे आपके टोटल 6 आईपीओ जो सितंबर के मंथ में आ सकता है। तो मैंने आपको प्रोबेबल डेट भी बताया कि किस डेट को ये सारे आईपीओ मार्केट में आ सकते हैं। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी से आपको अपना फंड यानी कैपिटल तैयार रखना, ताकि जब ये आईपीओ आए तो आप अपॉर्चुनिटी मिस ना कर पाए और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए इन आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करके। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अलॉटमेंट के चांसेस को थोड़े बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो हो सकता है ये सब चीज बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन लिटरली यही एक तरीका है जिससे आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को थोड़े बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप एक डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं और अगर वो आईपीओ 5 times ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो यहां पे आपका अलॉटमेंट के चांसेस 20% रह जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी को 3 या 5 डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है और जिसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वो भी काफी कम है, 300 रुपीज के करीब है और वो भी फर्स्ट ईयर फ्री रहता है। तो यहां पे आपका साल में सिर्फ 300 रुपीज जा रहा है अगर आप सिर्फ आईपीओ के लिए भी डीमैट अकाउंट रखते हैं। तो अगर आपका एक साल में 2 से 3 आईपीओ भी मिल जाता है तो आप इजिली 5 to 10,000 रुपीज वहां से अर्न कर सकते हैं। तो 300 का एएमसी देके आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन ये अकाउंट आप ही के नाम पे नहीं होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर के नाम से होना चाहिए या फिर ब्रदर सिस्टर वाइफ हस्बैंड किसी के भी नाम से हो सकता है, क्योंकि अगर आपके नाम से मल्टीपल डीमैट अकाउंट होगा तो फिर वो सिंगल यानी एक अकाउंट होगा। तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी दूसरे के नाम से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जब आईपीओ आता है तो उस टाइम पे आप सारे फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहीं पे आपके पास 3 ऑप्शंस है, जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है और अपस्टॉक है और तीनों में इक्विटी डिलीवरी, यानी अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आईपीओ अगर आपको अलॉट हो जाता है तो वहां पे कोई ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं लगता है और तीनों का एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज काफी कम है। तो आप इन तीनों में अपने फैमिली मेंबर का अभी से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जब आईपीओ आता है तो उस टाइम पे लोग डीमैट अकाउंट ओपन करवाने को जाते हैं, उस टाइम पे क्राउड काफी ज्यादा हो जाता है और उस टाइम पे डीमैट अकाउंट ओपन होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आईपीओ हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए अभी से आप सारा कुछ अपना रेडी कर सकते हैं और आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है जिससे आप आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, बस जो भी आप आईपीओ अप्लाई करते हैं वो सही से अप्लाई करें, फिर आपका अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपको जीरोधा में 200 रुपीज का पेमेंट करना होगा, बाकी एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक में आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको डेली इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बता दूंगा जिसके बेसिस पे आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रिसर्च रिपोर्ट और हिस्टोरिकल डेटा भी प्रोवाइड होगा और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस जो मैं वीडियो डेली अपडेट करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप खुद से ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सब सर्विसेज अगर आप फ्री में चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप
ZERODHA, एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक किसी में भी डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें आप तक पहुंचाना था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जब ये आईपीओ मार्केट में आएगा तो उस टाइम पे मैं इसके लिए सेपरेट से वीडियो भी बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।